एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं शादी में। काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कुछ ओकेजन ही नहीं आ रहा है क्या व्लॉग बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि मैं घर में ही होती हूँ डेली। तो घर में मेरी जो डेली रूटीन है वो बिल्कुल सेम ही है, तो डेली रूटीन का भी क्या ही व्लॉग बनाना। तो आज थोड़ा नया चल रहा है मेरी डेली रूटीन से थोड़ा अलग, क्योंकि मैं जा रही हूँ शादी में और शादियाँ भी सेम गांव में दो शादियाँ हैं। तो पहले हम एक शादी में जाएंगे, फिर दूसरी शादी में जाएंगे, पहले एक जगह धाम खाएंगे, फिर दूसरी जगह धाम खाएंगे। और साथ में मेरे हैं मम्मी, बूजी, मेरे हस्बैंड, मामा जी और ताक्षु। तो हम जा रहे हैं अब शादी में, तो बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में। तो फाइनली हम शादी में पहुँच चुके हैं। ये रहे मामा जी, बूजी। हम अभी फिलहाल बैठे हैं नानी के घर, मतलब मम्मी के मायके। ये रहे नानी। तो शादी भी मम्मी के मायके में ही है। तो ये मेरी ड्रेस रही आज की, मामा जी को लगाया हुआ है मैंने वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मामा जी ने मेरी फुल वीडियो नहीं ली। तो फिर मैंने जब दोबारा देखा, वीडियो चेक की कि मेरी फुल वीडियो नहीं आई है, तो मैंने बोला मामा जी मेरी अगेन वीडियो बना दो। तो बेचारे मामा जी ने मेरी फिर से वीडियो बना दी पूरी ड्रेस की। और ये जो ड्रेस है ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है मीशो से। तो अब हम जाएंगे धाम खाने, तो चलिए चलते हैं। मैं, बूजी और मामा जी जाएंगे और ताक्षु को भी ले जाएंगे धाम खाने। तो चलिए चलते हैं, फिर दूल्हा दुल्हन के भी दर्शन करवाएंगे आपको, लेकिन पहले पेट पूजा करेंगे उसके बाद। तो ये रहे ताक्षु और उसके पापा, और सामने जो हैं ये दूल्हे के भाई, उनके मम्मी डैडी और दुल्हन भी हैं साथ में। तो ये जो इनके फ्रेंड्स हैं बाकी, जिनके साथ ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जो HP के, वहाँ से आए हुए थे। तो ये इनको जाते टाइम ग्रीट कर रहे थे। तो ये इनका वही जो बाई वाला रिचुअल होता है वही चल रहा था यहाँ पे फिलहाल। तो अभी हम पहुँच गए जहाँ पे धाम लगी थी, वहाँ पे धाम हमने खाना स्टार्ट कर दिया है फाइनली, क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया था और दो ढाई बज रहे थे, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो आते ही हम पहले थोड़ी देर नानी के पास रुके, वहाँ पे चाय पानी वगैरह किया, और मैंने बोला हमने खाना ही खाना है अब फटाफट। तो हम फटाफट खाना खाने लगे और ताक्षु की अलग ही मस्ती चली हुई, क्योंकि जहाँ भी बच्चों को बच्चे दिखते हैं ना, बच्चे वैसे ही पगला जाते हैं, मतलब दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ताक्षु तो फुल इन्जॉय कर रही थी, और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है कि बस क्या ही बोलूं। तो ताक्षु भी फुल इन्जॉय कर रही है, मस्ती कर रही है। जो ताक्षु ने ये फ्रॉक पहना हुआ है ना, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा है मीशो से, और बहुत अच्छा, मतलब किसी को अगर अपने बेबी के लिए मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हो। ये 400 के आसपास पड़ा था मुझे, लेकिन बहुत अच्छा और कम्फर्टेबल भी है। तो फिलहाल हम यहाँ दो बच्चे मस्ती कर रहे हैं आपस में, तो मैंने सोचा इनको भाई बहनों को शूट कर लेते हैं, और ये यहाँ पे शगुन वगैरह लिखते हैं वो लिखा जा रहा है। और यहाँ पे हम मतलब बातें हो रही थी दीदी और बूजी की, और मैं साइड में ऐसे पोपट जैसा बैठा हुआ था, क्योंकि मतलब मेरे से रिलेटेड कोई बात ही नहीं, ये दोनों बात कर रहे थे और मैं चुपचाप इनकी बातें सुन रही थी। मतलब ऐसे होता है ना कई बार कि जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और उस बात का मतलब आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या बात चल रही है, तो फुल ऐसे जोकर वाली फीलिंग। वो गाना नहीं है कि सारी उम्र मैं जोकर जा बनिया रहा, वो वाली फीलिंग आ जाती है। और फिलहाल मेरा वही मूड ऑन है, क्योंकि ये कुछ बात कर रहे हैं और मैं साइड में बस इनको घूरे जा रही हूँ तो मुझे समझ आ नहीं रही थी, मैं ऐसे ही झूठी सर हिला रही हूँ। फिर एक बार मुझे हंसी भी आ गई कि मैं यहाँ पे बैठी ही क्यों हूँ, क्योंकि ये दोनों खुद में इतने मगन हो चुके थे कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि साथ में बैठा भी कौन है। खैर छोड़ो, तो फिलहाल यहाँ पे जो बच्चों की मस्ती चल रही है, और यहाँ पे जो नाटी होती है हमारी लोकल नाटी, जिसको कि चुराही नाटी बोलते हैं, वो शुरू हो गई। और यहाँ पे दुल्हन की जो साइड के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, और साथ में दूल्हा दुल्हन भी हैं। और अभी मतलब ये शादी का जो एंड का पार्ट होता है वो होता है, क्योंकि फिर फाइनल में बस धाम शुरू हो चुकी है, और बस ये एंड में नाटी होती है, ये लास्ट मतलब जो शादी है उसका लास्ट रिचुअल है। तो बस ये वही फॉलो हो रहा है यहाँ पे, और जो सबसे लास्ट में महिला डांस कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। तो अभी फ़िलहाल मतलब स्टार्टिंग है ना डांस की, तो इसलिए ज़्यादा लोग अभी डांस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी ही है कि नहीं। तो इसलिए शुरुआत हम लोगों ने करी है, फिर धीरे धीरे इसमें और लोग भी ऐड हो जाएंगे, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा मतलब नाटी देखने का, क्योंकि ऐसे थोड़े से लोग तो। और ये ताक्षु मेरी गुड़िया रानी अपनी दीदी के साथ खेल रही है। मतलब ताक्षु का प्लस पॉइंट ये है ना कि जब जैसे कहीं फंक्शन वगैरह होता नहीं, सब के पास चली जाती, तो मुझे दिक्कत नहीं रहती है। तो अभी
सभी मल्लनाटी के लिए जो हमारे जो डांसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और मतलब हमारे जो शादी है ना, शादियों में जो लास्ट ये नाटी होती है ना, इसमें दूल्हा दुल्हन को डांस करवाते हैं। तो दूल्हा दूल्हे जी हमारे यहाँ अभी अवेलेबल है नहीं, दूल्हे जी कहीं गए हुए हैं। तो दुल्हन जो मतलब दुल्हन का जो पार्ट है इस रिचुअल का वो फॉलो हो रहा है और दुल्हन डांस कर रही है हमारी। और ये जो रेड सूट में है ये दुल्हन की मतलब दूल्हे की मम्मी जी हैं ये, तो हम भी इसी रस्म का पार्ट बने हुए हैं अभी फ़िलहाल। और फाइनली ताक्षु जो है वो सो गई है, क्योंकि अब शादी में इतना घूमी है बच्ची, मुझे एक पल तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ताक्षु है कहाँ। मैंने इसके पापा से पूछा कि भाई ताक्षु कहाँ, तो वो बोलते वो तू टेंशन ना ले, वो मस्त है जहाँ भी है। तो बेचारी घूमती रही, मेरे पास थी ही नहीं है पूरी शादी में। और अभी सो गई है, रेस्ट कर रही है क्योंकि थक गया बच्चा, तो फाइनली सो गई। मतलब तंग नहीं करती है जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं तो उतना तंग नहीं करती है, तो थैंक, इतना अच्छा बच्चा मिला है मुझे, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस। लेकिन अब नज़र ना लगे बस क्योंकि जब भी हम बच्चे के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं ना, तो फिर उल्टा होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम निकल रहे हैं शादी से। ये रहे मेरे डियरेस्ट मामा जी। मतलब मेरा और मामा जी का बॉन्ड इतना अच्छा है ना, कि जब हम दो बात करते हैं, हम मतलब बात करते करते निकल जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि पीछे भी है कोई। तो अभी जो पहली शादी है वो हमने अटेंड कर ली है और अभी हम जा रहे हैं दूसरी शादी में, क्योंकि अब शगन, तो मतलब शगन डालने तो जाना ही पड़ेगा। और धाम भी हमने दिन में ही खा ली थी पहली शादी में, और क्योंकि मुझे पता था हमने दूसरी शादी में भी जाना है, तो फिर शाम टाइम दूसरी शादी में खाना खा लेंगे। तो इसलिए मैं और ताक्षु के बाबा जा रहे हैं वहाँ पे, और ताक्षु है मम्मी के पास, बूजी और मामा जी भी ऊपर ही हैं। तो मैं और ये जा रहे हैं नीचे दूसरी शादी में। तो हमने सोचा मतलब धाम तो वैसे हमारे जैसे धाम होती है ना, धाम सेम ही होती है, जैसे कि मदरा, मटर पनीर, एक दो दालें हो गई, राजमा हो गए, कढ़ी हो गई और खट्टा, धाम सेम ही होती है। धाम में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट स्वाद में फ़र्क होता है, ये बात अलग है। तो अभी हम दूसरी शादी में जा रहे हैं फिलहाल, और वहाँ पे दूल्हा दुल्हन हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी शाम के टाइम जा रहे हैं हम। तो अब तो मतलब नीचे फंक्शन ऑलमोस्ट सारे जो होते हैं वो रिचुअल वो ख़त्म हो गए होंगे, और वो तो अंदर ही होंगे रूम में। तो फिलहाल देखते हैं वहाँ कैसा माहौल है शादी का। तो बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में। तो फाइनली जो दूसरी लोकेशन है शादी की, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इस घर में है शादी, यहाँ पे ये दूल्हे साहब लेंटर पे ही मिल गए थे हमें, और ये मेरी ननद है, ननद बोले तो हस्बैंड की सिस्टर। तो ये यहाँ पे मतलब अब जैसे भाईचारे में काम वगैरह करवाना होता है तो ये वही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके भाईचारे में है शादी। और ये जो छोटी सी गुड़िया देख रहे हो ना आप पीछे, ये जिसने गुत बनाई हुई अच्छी वाली, आपको पता है इसने महाशिवरात्रि का व्रत किया हुआ था। और मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में भगवान के प्रति इतनी डेडिकेशन, वाह भाई, कोई कोई होते हैं ऐसे। तो अभी हम फिलहाल निकल पड़े हैं शादी से वापस। तो फाइनली हम दूसरे धाम खा के निकल चुके हैं वापस घर की तरफ, मतलब घर की तरफ नहीं, ऊपर जाएंगे दूसरी शादी में, वहाँ से लेंगे मामा जी, बूजी, मम्मी और ताक्षु को, फिर जाएंगे हम घर की ओर। तो मतलब आजकल शादियों का सीज़न है, तो धाम खा खा के मतलब हालत ख़राब हो चुकी है। अब कम से कम भी 2-3 मंथ धाम नहीं भी मिलेगी तो चल जाएगा, क्योंकि इतनी धाम खा छोड़ी है मेरे राम की, मैं क्या बोलूँ अब। तो फिलहाल हम अब ऊपर जा रहे हैं, हमारे साथ इस व्लॉग में। तो निकलते निकलते हमें रात हो चुकी है, मतलब शादी से, क्योंकि बैठते हैं रिश्तेदारों के पास तो टाइम लग ही जाता है, इतने टाइम बाद मिले तो फिर होता ये गपशप ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। तो हम घर बस पहुंच गए हैं, हम गाड़ी से उतरे अभी, अब घर की ओर निकल रहे हैं। और ताक्षु को मैंने कैप पहना दी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और बच्चों को मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा होते थे, इसलिए इसको कैप पहना दी है ताकि इसको ठंड से प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये घर की तरफ रास्ता हमारा। तो सुबह हम तैयार हुए थे शादी को जाने में, तो बिस्तर वैसा का वैसा ही हो गया था, और बबली और अभी बोलिए देखो क्यों दिखाया, पर ये रियलिटी है, क्या करें, कहीं भी जाना होता है तो जल्दी जल्दी में तो कुछ ऐसा ही हो जाता है ना बोली, है ना ताक्षु, है ना ताक्षु। और ऊपर से ये मैडम
ये सबसे ज्यादा तो गंद यही फैला रही है रूम में। ओ हेलो इधर देख भैया, अभी टाइम है मेरा बोलना। ओ हेलो, इसको जो चीज हो नीचे फेंक देती है बस सीधे। हेलो अशु, नीचे क्यों फेंकते हो चीजें? आज आप मेरे को किशू तो कर दो, फ्लाइंग किशू कर दो। थैंक यू। अब मम्मा को किशू कर दे आशे। मम्मा को कर दो किशू। मुझे किसी करो। थैंक यू मम्मा। आज पूरा दिन बबली के साथ नहीं थी ना, तो तभी अभी दाल लगा रही है। मैं और बबली शादी में भी जी थे, और ये तब अपनी बहनों में जो नई बहनें मिली थी उनमें मस्त थी, और साथ में दादी के साथ। बाय, अब कर दो बाय। अच्छा बाय कर दो। ओ देखो जी, मैं बोलूं बाय तो नहीं करती। अच्छा उधर ऐसे कर दो, अच्छा ऐसे कर दो, सोना पोज मार, देख ओए छोने, इधर देखो, हैंड नीचे रखो। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? तो कहते हैं यही पेंट। तो फाइनली मेरी गुड़िया भी सो चुकी है, क्योंकि थकी हुई है आज, तो इसलिए ये जल्दी सो गई, आते ही सो गई। इसके पापा भी थक चुके हैं, इनको भी निन्नी आई हुई है भाई। तो इस व्लॉग के यहीं पेंट करते हैं। थैंक यू सो मच व्लॉग में बने रहने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपनों का।